ओम शांति। क्या आपने धरती पर स्वर्ग देखा है, जहां चारों ओर सुकून, शांति और प्रकृति का आनंद हो, जहां आप खुद को परमात्मा के बहुत करीब महसूस करें? अगर सच में आपको भगवान को और प्रकृति को करीब से महसूस करना है, तो आपका स्वागत है राजस्थान माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय में। भारत के उत्तर में अरावली पर्वत राजस्थान के सूखे रेगिस्तानी मैदानों से निकलते हैं। उनमें से प्रमुख माउंट आबू है। पहाड़ों की ठंडी ऊंचाइयों में बसा माउंट आबू हिल स्टेशन है, जहां ब्रह्मा कुमारियों का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, जिसे मधुबन कहा जाता है, स्थित है। यह वह स्थान है जहां हर साल अभ्यास करने वाले योगियों का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिवार आता है। जब कोई मधुबन के पवित्र परिसर के अंदर कदम रखता है, तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस कर सकता है। जो शांति और आंतरिक आनंद का अनुभव यहाँ होता है, वो कहीं और नहीं मिलता। मधुबन में प्रमुख आकर्षण बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा और शांति की मीनार है। यूनिवर्सल पीस हॉल, जिसे ओम शांति भवन के नाम से भी जाना जाता है, मधुबन की मुख्य सभागार है। इस आकर्षक हॉल में 3000 लोग बैठते हैं और इसमें 16 भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा है, यानी ट्रांसलेशन की सुविधा है। 1983 में खोला गया ये हॉल प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का स्थल रहा है और प्रतिदिन 8000 से अधिक पर्यटक इसका दौरा करते हैं। चलिए अब जानते हैं ज्ञान सरोवर के बारे में। ज्ञान सरोवर यानी ज्ञान की झील। ज्ञान सरोवर विद्यापीठ मानव, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों और सिद्धांतों के विकास और व्यावहारिक कार्यान्वयन पर आवासीय कार्यक्रम और पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ज्ञान सरोवर परिसर में यूनिवर्सल हार्मनी हॉल है, जिसमें 1600 लोग बैठ सकते हैं और इसमें 16 भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा है। इंटरनेशनल स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी में दुनिया भर की मूर्तियाँ, चित्र, ऑडियो विजुअल और लेजर डिस्प्ले के द्वारा ज्ञान समझाया जाता है। 1500 लोगों के लिए आवास, रसोई और भोजन सुविधाएं हैं। यहाँ एक बार में 1200 लोग आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं। 3 मानव निर्मित झीलें हैं, जो फल और सब्जियां प्रदान करने के लिए लगाए गए 15,000 पेड़ों की सिंचाई करती हैं। यहाँ सोलर और विंड एनर्जी द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ यूनिक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। यहाँ किचन, बाथरूम और कपड़े धोने के बाद का लगभग 2,00,000 लीटर वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है और उसमें से 80% पानी को पुनः इस्तेमाल लायक बनाया जाता है ना, पानी की बचत और उसका सही इस्तेमाल। अब चलते हैं शांतिवन की ओर। शांतिवन मतलब फॉरेस्ट ऑफ पीस। माउंट आबू की सड़क पर आपकी बाईं ओर आप एक शानदार परिसर देख सकते हैं, जिसे शांतिवन के नाम से जाना जाता है। 50 एकड़ में फैले शांतिवन परिसर को 1996 में स्थापित किया गया था। शांतिवन परिसर में बहुत कुछ देखने और अनुभव करने लायक जगह हैं, लेकिन शांतिवन का मुख्य आकर्षण विशाल डायमंड हॉल है। 1996 में डायमंड हॉल को बनाया गया था। ये सबसे बड़ा पिलर फ्री हॉल है। यहाँ एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। देश के सबसे बड़े पिलर फ्री हॉल के रूप में डायमंड हॉल को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। है ना यह एक गौरव की बात। इस हॉल में 46 दरवाजे हैं और यहाँ 22 भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधाएं हैं। यह है प्रकाश स्तंभ, जो दादी प्रकाश मणि जी की याद में बनाया गया है। यहाँ आने वाले बहुत से भाई बहन यहाँ बैठकर योग भी करते हैं।
आगे है ज्ञानमृत भवन। यह एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां संस्था का अधिकांश साहित्य प्रिंट होता है। ज्ञानमृत और द वर्ल्ड रिन्यूअल भी यहीं प्रकाशित होते हैं। शांतिवन में संचार के आधुनिक साधन, परिवहन सुविधाएं, अच्छी तरह से बिछाई गई सड़कें, पावर बैकअप और खाना पकाने के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियां भी हैं। यह है तपस्या धाम जो मेडिटेशन के लिए बनाया गया है। कमल पुष्प की आकृति में बने इस मेडिटेशन हॉल में ब्रह्मा बाबा की बड़ी सी फोटो लगाई हुई है जिसके सामने बैठकर लोग घंटों ध्यान करते हैं। यह है सोलर प्लांट। इस संस्था की बिजली पूर्ति इस सोलर प्लांट से ही होती है। 55 एकड़ में फैला यह देश का पहला थर्मल पावर प्लांट है। ये है पीएम पार्क यानी दादी प्रकाशमणि एनलाइटमेंट पार्क। इसका निर्माण अत्याधुनिक तकनीक, एक्वालेजर शो, एमपी थिएटर और 3D शो थिएटर के साथ किया है। इसमें 2 वीडियो स्टूडियो, ध्यान कक्ष, ध्यान पिरामिड, उद्यान, संगीतमय फव्वारा और वीडियो संपादन और एनिमेशन के लिए कार्यालय है। इसका शांत वातावरण इसे ध्यान और मनोरंजन के लिए आदर्श बनाता है। आपको याद है हमने अपने पिछले वीडियो में आपको तपोवन के बारे में बताया था कि यहाँ प्राकृतिक रूप से बिना कीटनाशक के इस्तेमाल के फल और सब्जियों की खेती की जाती है। साथ ही यहाँ निरंतर योग भी चलता रहता है जिससे निकलने वाली वाइब्रेशन इन फल और सब्जियों को परमात्मा ऊर्जा से भरपूर कर देती हैं। चलिए आज आपको तपोवन को और करीब से दिखाते हैं। अरावली की सुंदर वादियों के बीच प्राकृतिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है तपोवन। ये है मानसरोवर कॉम्प्लेक्स। 2021 में मार्च में इसका उद्घाटन हुआ था। मानसरोवर का उद्घाटन दादी रतन मोहिनी, दादी ईशु, बीके निर्बैर भाई, बीके ब्रजमोहन भाई एवं अतिरिक्त वरिष्ठ हस्तियों ने किया था। इस नए भवन परिसर में 1500 से अधिक लोगों के रहने की क्षमता है। ये है मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स में गर्व से सिर उठाए खड़ा गॉडलीवुड स्टूडियो। चारों ओर ऊंची विशाल पहाड़ियों के बीच बने इस स्टूडियो को ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जो एक अत्यधिक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टूडियो है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ध्यान के प्रसार के लिए समर्पित टेलीविजन कार्यक्रम और फिल्में बनाई जाती हैं। गॉडलीवुड स्टूडियो समाज के लिए शांति, खुशी, करुणा और सार्वभौमिक भाईचारे के लिए समग्र जीवन शैली में बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रसारित करता है। गॉडलीवुड स्टूडियो आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग दिखाने के लिए दुनिया का एक सच्चा लाइट हाउस है। यह है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। माउंट आबू राजस्थान में स्थित यह एक अनूठा अस्पताल है। शांत पहाड़ों के बीच इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। पश्चिमी राजस्थान भारत के सबसे कम विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्रों में से एक है। इसका अधिकांश भाग रेगिस्तान है। पानी की आपूर्ति कम है और साक्षात्कार दर भी बहुत कम है। अधिकांश आबादी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इस अस्पताल का प्रबंधन और संचालन ब्रह्मा कुमारियों के सदस्यों द्वारा स्थापित और समर्थित एक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। यह हॉस्पिटल हर साल लगभग 1,00,000 लोगों को मुफ्त या रियायती उपचार और दवाएं प्रदान करता है। स्वास्थ्य सेवा में आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए आधुनिक चिकित्सा के मिश्रण का अनुभव आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ प्रेम, समर्पण, करुणा,
सहयोग और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था इस हॉस्पिटल में आधुनिक चिकित्सा पद्धति में आध्यात्मिकता को शामिल कर रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य का निर्माण करके और अग्रिम चिकित्सा उपचार के साथ आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को धीमा करके स्वास्थ्य देखभाल का एक आध्यात्मिक मॉडल बना रहे हैं। RMM ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर 24 घंटे किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित सभी लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, जिसका उद्देश्य परमात्मा की याद में प्यार से सेवा करना है। अब आज की यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आज की यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमपिता परमात्मा की याद और प्यार में मस्त रहें। ओम शांति।